उड़ जाएगा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो काफी लंबे टाइम के बाद हम लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं, तो आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं चाहता हूँ कि आपके घर में हमेशा महादेव की ब्लेसिंग हो और आपके घर में हर टाइम शांति है ना, हर मोमेंट शांति हो और किसी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। तो इसी ब्लेसिंग के साथ आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आज मैं गया था NSUT कॉलेज, वहाँ बेसिकली ज़्यादा लोग आए थे, रियली बताऊँ तो पूरा मतलब ऑलमोस्ट मेट्रो से लाइन लगा हुआ था NSUT कॉलेज तक। और अब कॉलेज भी 2 महीने बाद खत्म होने वाले। मैं कहाँ जाऊँ, किसे बुलाऊँ, कोई सुन नहीं रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा भीड़ क्यों आज इधर, बिकॉज आज किंग आने वाला है यार, उसको देखने के लिए देखो लाखों में भीड़ है भाई। NSUT पूरा आज भर गया है भाई, तो इन दोनों को देखो भाई, माउंटेन डियो पी के ही आए भाई, आज ही रिक्स लेना किंग को देखने के लिए। तो देख सकते हो इधर किंग का एंट्री होने वाला है, तो काफ़ी लोग में मतलब क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ होती है ना, वो दिख रही है। और इधर सब फ़ोन लेके मतलब उसकी एंट्री की वीडियो शूट कर रहे हैं। बट जो भी बोलो भाई, उसकी एंट्री पर ग्रैंड तरीके की मज़ा आ गया भाई, इतना गया ग्रैंड मतलब एंट्री मैंने मतलब फिजिकली बोलूँ तो यार आज तक किसी स्टार का भी नहीं देखा होगा जितना इसका देखा मैंने। तो भाई मतलब मज़ा आ गया इसकी एंट्री देख के। तो यार किंग फाइनली आ चुका है, उसने अपने गाने आने स्टार्ट कर दिया है। अभी आगे का वीडियो आप गाने के साथ एंजॉय करो। ये क्या है? अबे मर जाएगा भाई, ये तो उड़ जाएगा भाई, इम्पेल हो जाएगा भाई। के गाने सुन सुन के मैं तो घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये देखने को मिला भाई, मस्त तरीके से अपने में डांस कर रहे, उधर किंग कॉन्ग गाना गा रहे, उनको कोई मतलब नहीं अपने में भाई। मैं तो बोला अपने में नाचो नाचो बोल के वहाँ से निकल गया भाई। जब भी बताऊँ यार, NSUT के वॉलंटियर ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया NSUT को, देख के मजा आ गया यार। तो मम्मी का यार बेलन भी खाना है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है। सो गाइस, अंदर से बाहर आए तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि अच्छा फील कर रहा हूँ यार, अंदर तो सफोकेटिंग होने की वजह से भाई साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी यार। तो ऊपर से मेरे पास से कुछ खाया नहीं, सुबह से पानी के अलावा और कुछ खाया था दोपहर को, वो ज़्यादा ही मतलब सामने उधर जरा। तो अभी घर आके पूजा वूजा कर लिया है, वो भी रियलिटी बताओ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक दाब हो रही है दिल्ली में, और वहाँ पर भाई साहब मेरा हालत ख़राब हो गया था, लिटरली बताओ, इतना ज़्यादा धूल ही धूल, जिसके से अभी देखो मेरे जो खांसी और बढ़ गई है और खांसी भी। तो लेट्स सी, आज का ब्लॉग ही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।